अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको कि फनी नहीं हुए होंगे लेकिन सैड जरूर हुए होंगे? नहीं तो लकीली सैड कुछ भी नहीं था, हमने बहुत खुशी खुशी गाना बनाया है और सब बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। हम बहुत प्यारी जगह पे गए थे, सारी लोकेशंस बहुत ही अच्छे थे, ओरिजिनल थी और बहुत अच्छे से हमने शूट किया। फनी मोमेंट आई थिंक अभी पहले एक जगह बता के आए कि एक जगह जहाँ पे होटल पे हमें रुकना था जाके, वो होटल हमें हॉन्टेड लग रहा था तो हम बहुत डर रहे थे अंदर जाने से, बट जब हम अंदर गए थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो बस ये सैड कुछ नहीं। हमारा यू वांट टू स्टार्ट? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं तो ये कहूँगा कि शूट कब होके पैक होगी हम लोगों को भी पता नहीं चला, और लोकेशन बहुत अच्छी थी और हमारे सर की फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी। ये सारी चीज़ें मतलब इतने प्यार से हो गई और इतना अच्छा गाना निकल के आ गया है। और हाँ, और जल्दी हम लोग का गाना बहुत जल्दी आने वाला था मगर कुछ चीज़ें थी जो उस वजह से रुक गया था, मगर माशाल्लाह उस चीज़ बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये इतना मीठा निकलेगा मुझे पता नहीं था। और फैंस लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट मैंने अभी सारे यूट्यूब पे कमेंट्स भी देखा, बहुत अच्छे लग रहा है, इतने पॉजिटिव फीडबैक है और इतने टाइम बाद हमारा गाना आया है तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बस यही। बराबर ना? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोगों को हमारा फैन बेस बहुत स्ट्रांग है, हम लोगों को लोग ऑन स्क्रीन बहुत पसंद करते हैं और माशाल्लाह हम लोगों की जोड़ी लोगों को ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी लगती है कि मतलब जब भी हम लोगों का कोई प्रोजेक्ट आता है, कुछ आता है, तो लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। और माशाल्लाह जन्नत तो इतनी सारे म्यूज़िक वीडियोज़ कर लिए, मैंने भी इतने सारे अलग अलग म्यूज़िक वीडियोज़ कर लिए, तो ये मतलब हम लोग दोनों सारे देख ही नहीं आप, बस हम लोगों को देख रहे हो, है ना? थैंक यू। अभी मैंने एक ग्रुप सॉन्ग किया हूँ और दो तीन सॉन्ग अभी लाइनअप में जो शूट किया हूँ, और अभी अगर आपको देखना है तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ यूट्यूब पे, मैंने और भी गाने किया हूँ तो आप वो भी एक बार देख लो। तो हाँ, मेरा भी एक नया गाना जो कल ही शूट रैप अप किया है वो आएगा दिसंबर में, मोस्टली 13 दिसंबर को आएगा। और बाकी अगले साल आप लोग मेरी फिल्म देखना ना। सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, जिसने शूट भी किया है, क्या कहना चाहेंगे आप दोनों का रिएक्शन? और 1 लाख से ज्यादा अभी व्यूज भी आ चुके हैं आधे घंटे के अंदर। माशाल्लाह, ये तो हमेशा से फैंस लोग ने इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार किया हमारे सारे प्रोजेक्ट में कि इतने कम टाइम्स में माशाल्लाह हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे व्यूज़ मिल जाते हैं और कमेंट्स मिल जाते हैं। बस ऐसी लोगों का प्यार बरकरार रहे और हमारा इंशाल्लाह और चीज़ें आएगी। जन्नत, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा शूट किया है और आपका जो एक्सप्रेशन है सॉन्ग में वो भी बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, स्पेशली जो हमारे लुक्स हैं आपने देखा होगा, वो कितने रिलेटेबल हैं और कितने कितने प्यारे हैं। और इससे पहले हमने ऐसा कभी लुक में ऐसा कुछ किया नहीं है। प्लस द लोकेशन, द वाइब, द सॉन्ग, एवरीथिंग ब्लेंड्स परफेक्टली। और हैंस आप देख रहे हैं गाना कितना प्यारा और कितना सूदिंग लगता है सुनने में। कहीं ना कहीं जब आपको ये फर्स्ट टाइम रिसाइट किया होगा ये गाने के बारे में, क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉन्ग है, आपने कहीं ना कहीं कल्चर, रिलीजन को आपने अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो थोड़ा अगर आप कुछ बताना चाहें, मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपने दिखाया। जैसे कि आप बोल रहे हैं कल्चर और रिलीजन, माशाल्लाह पूरा एक मोमेडियन वाइब था सॉन्ग में, जैसे कि आप देख सकते हो, और माशाल्लाह हम लोग दोनों भी मोमेडियन ही हैं और बहुत अच्छा वाइब था क्योंकि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं, चीज़ें समझते आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत बारीकी से देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। एंड स्पेशली यार डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको पोर्ट्रे किया है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस तरह से उसको शूट कर रहे हो, ऐसे सोच में तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को उस तरह से शूट करके प्रेजेंट करना इज़ द मेन थिंग, कि जिस तरह से हमने सोचा है वो उस तरीके से दिख भी रहा है या नहीं, बट उन्होंने पूरी तरह से। और जैसे कि आप देख सकते हो कि आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे कॉस्ट्यूम, हमारा जो शूट का लोकेशन, वो जितना ज़्यादा मतलब हम लोग ने उतना उसको खुल के निखारा है और दिखाया है क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटेबल है और लोगों को वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी और पसंद आ रही है। कल्चर की बात की है तो कितना फॉलो करती हैं जन कल्चर, अपने कल्चर को?
बिल्कुल फॉलो करती हूँ, बिल्कुल फॉलो करती हूँ, बट आई लाइक टू कीप इट लोकी। मैं कभी उसकी बात मीडिया में ऐसे बाहर नहीं करती हूँ, बट डेफिनेटली फॉलो तो करती हूँ। एक हाथ से करो और एक हाथ से मत बताओ। नहीं नहीं, हमने ये लॉकडाउन खुल गया था तब किया था, डेफिनेटली लॉकडाउन में कैसे ट्रैवल करके शूट करते, तो लॉकडाउन खुल गया। शूट के लोकेशंस इतने अच्छे हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब यू नो दोनों को प्रोटोकॉल्स एंड ऑल फॉलो करके और किस तरह से, बिकॉज़ यू नो कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ। सही बात है, और हम लोग ने पूरी प्रिकॉशन के साथ में और हमारी टीम ने भी पूरी प्रिकॉशन लेते हुए हम लोगों ने पूरा शूट किया था। और लोकेशन की बात करूँगा तो लोकेशन शिमला की वादियाँ, तो उसकी बात ही अलग है, और वहाँ बहुत अच्छी ठंडी थी और बहुत मज़ा आया शूट करने में। मैं तो बोलता ही हूँ आपको कि मतलब शूट कब हो गया, कैसे हो गया, कुछ पता नहीं चला। एक्चुअली ट्रैवलिंग ज़्यादा था, बिकॉज हम मुंबई से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से हम शिमला गए, शिमला से भी हम ट्रैवल करके एक जगह गए थे जहाँ पे हमें ऐसा वाइब और ऐसा लोकेशन मिला, तो 3 घंटे का रास्ता था। हाँ, तो ट्रैवलिंग थोड़ा मुझे मोशन सिकनेस भी है, मगर मज़ा आई बहुत। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।